अस्सलामुअलैकुम, एक दफ़ा दोबारा हाजिर हूँ दुरे नजफ़ आज के सवाल के साथ। डॉक्टर मेहदी से आज मेरा ये सवाल है कि जो पेशेंट्स हमारे पास EECP करते हैं, तो क्या EECP करने के बाद खुराक में कोई एहतियात लाजिम है उनके लिए? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमेशा कोशिश करें कि सादा और हेल्दी ग़ज़ा खानी है आपने, और खाने के अंदर आपका जो ऑयल और घी है ना, इसको बिल्कुल आउट कर दें, क्योंकि यही बुराई की जड़ है, यही मेन कल्प्रेट है, और यही आपकी बॉडी का दहशत गर्द है, जिसकी वजह से आपके दिल के अमराज बढ़ रहे होते हैं, और इसकी वजह से भी आपके दिल की शरियाने बार बार वो तंग होती हैं, फिर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, एंजाइना होगा, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर, कभी फिर बीमारी होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए सादा और ईजी ग़ज़ा रखें, अपना नाश्ता भी हल्का फुल्का करें, बहुत ज़्यादा या पराठे और चिकनाई वाली चीज़ें और सिरी पाए और हलवा पूड़ियाँ, और ये एहतियात करें बिल्कुल। अगर रोटी भी खानी है तो खुश चपाती लें, और साथ अंडा बॉयल ले लें आप, और साथ कोई पॉरेज ले लें या कॉर्नफ्लेक्स ले लें, इस तरीके से आप सैंडविच हल्का सा कर सकते हैं। आप दोपहर तो भी कोशिश करें कि आप विदाउट ऑयल खाना, कोई भी चीज़ आप पका सकते हैं, चाहे दाल पकी हुई है, सब्जी है, हल्का फुल्का, उसमें कोई दो चार बोटियाँ आप गोश्त की डाल सकते हैं उसमें, बग़ैर चर्बी वाला और बग़ैर कोई उसमें चिकनाहट वाला ना, और बड़ा गोश्त बिल्कुल ना खाएं, और ये सिरी पाए और मगज़ शकलज़ और कलेजी इसमें अवॉइड करें, कि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ खानी है बग़ैर ऑयल और घी, और रात का जो खाना है वो कोशिश करें कि अर्ली खाएँ मगरब की नमाज के साथ साथ, ताकि उसको हज़म होने के लिए 2 घंटे आपको चाहिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए, ताकि उसके बाद आप एक अच्छी नींद कर सकें। और साथ साथ मैं बताता जाऊं कि जो आपके प्रोसेस्ड फूड है, जो भी ये डब्बों के अंदर खाने मौजूद होते हैं, फ्रोज़न आइटम्स हैं, ये अवॉइड करें, और इवन ये जो फीजी ड्रिंक्स हैं, जो ये कोलाज और फेंटाज और पेप्सीज और ये सारे अवॉइड करें, और इसके अलावा जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो भी अवॉइड करें, और अगर पीने ही है आपने तो फ्रेश जूस जो घर के अंदर कोई भी जो मौसमी फल है, केला है, सेब है, वो आप हंसपे ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बेस्ट होगा कि फ्रूट सैलड वगैरह या फ्रूट चाट वगैरह बना लें तो वो आप इस्तेमाल करें। इसी तरह खाना जब भी खाएं तो कोशिश करें खाने से पहले पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, सुन्नत नबी भी है, और वो कहते हैं ना कि खाने से पहले पानी जो है वो सोना है, खाने के दरमियान वो चांदी है, और खाने के बाद अगर पानी पिए तो वो पीतल है। इसलिए खाने से पहले पेट भर के आप वो पानी पिए, और सैलड्स और फ्रूट सैलड जो है ना, फ्रूट चाट वगैरह, ये खाने से पहले खाएं, ताकि आपकी स्टमक प्रॉपरली ऑक्यूपाइड हो जाए और खाने के लिए कम से कम जगह बचे, और साथ बाद में खाने के 2 घंटे के बाद आप अपनी हल्की फुल्की वॉक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और ये फ्रेश और हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने दोस्तों को भी ये कन्वे करें, ताकि वो एक बीमारियों से, दिल की बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।